फैसले के बाद शंकाओं को दरकिनार कर कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या के पवित्र सरयू में डुबकी लगाई। कल शाम 5:34 पर शुभ मुहूर्त में कार्तिक स्नान मेला शुरू हो गया। आज सुबह भोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू स्नान कर पुण्य अर्जित किया। ऐसे में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जजमेंट के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। वहीं रामनगरी अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने लाखों श्रद्धालु सरयू तट पर पहुंचे, जहां स्नान कर प्रमुख मठ मंदिरों में पूजा पाठ किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला के पक्ष में फैसले के बाद श्रद्धालुओं ने राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन की उत्सुकता बढ़ती दिखी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र सरयू में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन सरयू में स्नान कर दान पुण्य कर विशेष लाभ प्राप्त होता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा महाप्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवश करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। एक महीने की कल्पवश के बाद कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के साथ देव दीपावली पर भी मनाई जाती है। देर शाम सरयू नदी के तट पर बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते हैं। वहीं अयोध्या के प्रवेश मार्ग पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बिना वाहन चेकिंग के लोगों को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बकायदा परिचय पत्र के माध्यम से लोगों को पहचान कर अयोध्या में प्रवेश करने दिया जा रहा है। कार्तिक मेले में जो है ना, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण निर्धारित जो है पार्किंग स्थल में जो है ना, उनके जो है ना वाहनों को रुकवाया जा रहा है, और पार्किंग स्थल से वो लोग जो है ना अपने वाहनों को खड़ा करके यहाँ पर आ रहे हैं। जो है ना घाट में स्नान करके फिर जाकर नागेश्वरनाथ मंदिर में अपना जलाभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हनुमानगढ़ी जाकर वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सुरक्षा के दृष्टि के सभी जगह व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा है और पूरे महीना के फल आज के दिन मिलता है, और राम मंदिर का फैसला के बाद तो हम लोग बहुत धन्य हो गए कि मतलब राम जी का फैसला हो गया और मंदिर बनेगा और यहाँ आने जाने का सब यात्री का व्यवस्था हो जाएगा और सबका राम जन्मभूमि का दर्शन होगा। हमेशा जब चाहे तब आदमी आ सकता है, जा सकता है। कोई लोग इलाहाबाद से शकुंतला का महत्व, सर जो भगवान यहाँ पर आए हैं, घाट उतरे हैं यहाँ से, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए भगवान सरजू जी जैसे पार हुए, केवट ने पार किया है, वैसे हम लोग भी यहाँ पर पार हो जाएं भगवान के द्वार पर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है सर यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर के पक्ष पे आ गया। राम मंदिर के फैसला के ऊपर तो हम लोग बहुत खुश हैं सर, और इतना उत्साह है कि हम लोग को ज़िंदगी में ऐसी खुशी कभी हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर श्रद्धालु आएंगे, विदेशों से आएंगे, यहाँ पर अपना खुशी मना करके भगवान का दर्शन करके यहाँ से जाएंगे, उनके ज़िंदगी का एक नया रूप बनेगा, एक नया अवसाद शुरू होगा यहाँ पर। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से। ये कार्तिक पूर्णिमा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक मास तो खास करके इसलिए अयोध्या में दूर दूर से लोग आते हैं और कल्पवास करते हैं, महीने भर यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अयोध्या की जो है वो है सरयू स्नान, क्योंकि राम जी भी कहते हैं कि जा मज्जन्ते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। सरयू नदी की महिमा राम जी अपने मुख से कहते हैं कि सरयू नदी में जो स्नान करता है उसे मेरे चरणों में वास मिलता है, मेरे धाम की भी प्राप्ति होती है। तो जो लाभ हमें कार्तिक पूर्णिमा में, कार्तिक महीने में पूरे महीने के स्नान का जो लाभ है वो आज हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हो जाता है। और कार्तिक महीना इतना पवित्र है कि कार्तिक महीने में सरयू जी के दर्शन मात्र से ही जीव मात्र के सारे पाप का नष्ट हो जाता है।